हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। इस वीडियो में हम देखेंगे वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और द हिंदू से ये वर्ड्स जो है लिए गए हैं, सो आप देखिएगा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ ईजी भी हैं, कुछ टफ भी हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का पार्ट 5th है, ठीक है। ये इस वीडियो का कौन सा पार्ट है? पार्ट 5th है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस पार्ट जो है नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो ये दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ दिस सीरीज़, ओके। सो लेट स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? प्रोविडेंस। प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रिकॉशन, ठीक है। प्रिकॉशन यानी कि पहले से ही हम किसी चीज़ के लिए प्रिकॉशन होकर चलते हैं, प्रिकॉशन लेके चलते हैं, सावधान होकर चलते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिकॉशन लेना कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम प्रोविडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिकॉशन तो सबने सुना होगा, लेकिन प्रोविडेंस भी कहते हैं इसको, ये आप ध्यान में रखिएगा, प्रोविडेंस, ठीक है। सिनोनिम क्या होते हैं? फोरसाइट एंड प्रूडेंस। फोरसाइट एंड प्रूडेंस, सिमिलर मीनिंग इनका होता है, फोरसाइट एंड प्रूडेंस का, ठीक है। एंटोनिम क्या होते हैं? केयरलेसनेस एंड केयर फ्री, यानी कि सावधान ना होना, ठीक है, केयरलेस होना, केयर फ्री होना, ठीक है। और इसका एग्जांपल सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे? वी शैल एक्सरसाइज प्रोविडेंस, वी शैल एक्सरसाइज प्रोविडेंस इन आवर टास्क इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, यानी कि हमें अपने टास्क में प्रोविडेंस, ठीक है, प्रोविडेंस लेना होगा, यानी सावधानी करनी होगी, सावधानी बरतनी होगी। क्यों? सक्सेस लाइफ में अगर चाहिए तो, ठीक है, लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो हमें अपने जो टास्क है उसमें हमें सावधानी करनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो यहाँ पे प्रोविडेंस का जो मीनिंग है आप ध्यान में रखिएगा, क्या होता है? प्रिकॉशन। क्या होता है? प्रिकॉशन। और प्रोविडेंस क्या होता है? एक नाउन होता है, इसलिए हमें यहाँ पे एक नाउन की तरह इसको यूज़ करना है। इसलिए हमें यहाँ पे वी शैल एक्सरसाइज प्रोविडेंस एज अ नाउन ये यहाँ पे यूज़ हुआ है, कि वी शैल एक्सरसाइज व्हाट? वी शैल एक्सरसाइज प्रोविडेंस, ठीक है। सो इसलिए एज अ नाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आप ध्यान में रखिएगा, प्रोविडेंस का जो मीनिंग है वो प्रिकॉशन होता है, और ये एक पॉजिटिव वर्ड है, और ये नाउन होता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिवेट। रिवेट का मतलब क्या होता है? एनग्रॉस। एनग्रॉस का मतलब इन्वॉल्व एंड एम्प्लॉय, ठीक है, यानी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, एम्प्लॉयड होना। सो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, इजेक्ट यानी कि बाहर निकाल देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस हो गए। सो एनग्रॉस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, इन्वॉल्व इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, एम्प्लॉय इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, डिस्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट आर नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। और रिवेट क्या है? हमारा वर्ब है। क्या है रिवेट? क्या है? वर्ब है। तो एज अ वर्ब हम इस सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे। द टीचर मस्ट रिवेट द स्टूडेंट्स इन हिज टीचिंग्स इफ़ ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। द टीचर मस्ट रिवेट द स्टूडेंट्स इन हिज टीचिंग्स इफ़ ही वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, यानी कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? एनग्रॉस करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, इन्वॉल्व करना चाहिए टीचिंग्स में, जिससे कि वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें रिवेट का मीनिंग जो है ध्यान में रखना है। रिवेट का मीनिंग क्या होता है? एनग्रॉस करना, इन्वॉल्व करना। इन्वॉल्व से आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा इन्वॉल्व से ध्यान रखना, कि एनग्रॉस मतलब इन्वॉल्व करना, ठीक है, रिवेट करना, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए, तो या सो दिस इज़ क्लियर। रिवेट का मतलब क्या होता है? एनग्रॉस होता है। चलिए, तो इसने आप ध्यान में रखिएगा। और रिवेट जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, एंड ये हमारा वर्ब होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड, बूम। बूम का मतलब क्या होता है? लाउड साउंड, यानी कि बहुत ही तेज साउंड होना, ठीक है, जैसे कि हम इसको एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई बॉम्ब फटता है तो हम बोलते हैं ना एक्सप्लोजन, ठीक है, तो उसमें बहुत साउंड होता है ना, इसलिए एक्सप्लोजन। एंड बैंग भी बोल सकते हैं, बैंग, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? फेलर एंड कोलैप्स। क्या हो जाएंगे? फेलर एंड कोलैप्स, ओके। सो एग्जाम्पल सेंटेंस में हम इसका एज अ नाउन कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि बूम हमारा नाउन है, कैसे यूज़ करेंगे? दे बस्ट क्रैकर्स इन द ओपन, ठीक है, ओपन यानी खुले में उसने क्या किया? क्रैकर्स को बस्ट किया, विच साउंडेड लाइक अ बूम, जो कि कैसे साउंड हुआ उसका? बूम की तरह उसका साउंड हुआ, ठीक है। तो बूम यानी कि लाउड साउंड, ठीक है, यानी कि उसका लाउड साउंड जो है हुआ था, ठीक है। सो एज अ नाउन हमने यहाँ पे यूज़ किया है किसका? बूम का। साउंडेड लाइक अ बूम, आर्टिकल के बाद हमारा क्या आता है? नाउन आता है ना, तो आर्टिकल ये रहा और नाउन ये रहा, ठीक है। तो एज अ नाउन हमने यहाँ पे यूज़ किया है।
ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि बूम हमारा नाउन होता है और ये एक क्या है, साउंड से रिलेटेड है, लाउड साउंड होता है इसका मीनिंग, ठीक है, लाउड साउंड इसका मीनिंग होता है, तो बूम का मतलब लाउड साउंड। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड। सो अवर नेक्स्ट वर्ड क्या है, लैविश। लैविश का मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बाउंटीफुल या फिर प्लश, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होता है, ऑस्टेरी एंड बैरन, ऑस्टेरी एंड बैरन। एग्जाम्पल सेंटेंस का आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या है इसका, ही हैड अरेंज्ड अ लैविश डिनर फॉर ऑल ऑफ यू टू इन्जॉय, ठीक है। लैविश डिनर मतलब बहुत ही अच्छा डिनर, ठीक है, बहुत ही हैवी डिनर, बहुत ही अच्छा महंगा वाला डिनर, इस तरह का हम उसको लैविश बोलते हैं। तो लैविश का मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज, ठीक है। लैविश तो वैसे आपने मोस्टली सुना ही होगा, प्रोफ्यूज भी इसको बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रोफ्यूज बोलते हैं। और बाउंटीफुल प्लश, ठीक है, बाउंटीफुल प्लश ये भी बोलते हैं। तो लैविश, प्रोफ्यूज, बाउंटीफुल प्लश, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑस्टेरी, ठीक है, ऑस्टियर एंड बैरन, ठीक है, ऑस्टियर एंड बैरन, इसके वो ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे। लाइक प्रोफ्यूज, तो प्रोफ्यूज तो हमारा एक तरह से लैविश हो गया, यानी कि बहुत रिच हो गया, लेकिन ऑस्टियर हमारा कैसा हो गया, थोड़ा सा डाउन, ठीक है। तो ऑस्टियर एंड बैरन एंड एग्जाम्पल सेंटेंस में इसका यूज़ हमने देखा। और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो लैविश डिनर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, लैविश डिनर, और मैंने आपको अभी बताया था आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो नाउन हमारा आर्टिकल के, देखिए यहाँ पर अ लैविश डिनर लिखा हुआ है, तो आप सोचोगे कि आर्टिकल ए के बाद हमारा लेविश आ रहा है तो ये नाउन होना चाहिए, नहीं, लेविश के बाद क्या आ रहा है वो तो देखो, लेविश के बाद क्या आ रहा है, डिनर आ रहा है ना, तो जब नाउन हमारा ये है, ठीक है, नाउन क्या है, डिनर है, और डिनर को क्वालिफाई कौन कर रहा है, लेविश, तो लेविश हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो ये आप ये मत सोचा करो, हमेशा ये मत सोचना कि आर्टिकल के जस्ट बाद आपका नाउन आएगा, जस्ट बाद तब जब वो अकेला हो, अकेला नहीं है यहाँ पे, ये लेविश क्या है, डिनर है उसके बाद में, तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन है, और लेविश क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, और लैविश डिनर, डिनर कैसा था, लैविश था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो लैविश का मीनिंग आप ध्यान में रखिएगा, प्रोफ्यूज होता है, प्रोफ्यूज, बाउंटीफुल, प्लश, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, डॉग फाइट। डॉग फाइट, डॉग फाइट यानी कि फिजिकल एनकाउंटर, फिजिकल एनकाउंटर यानी कि अल्टरकेशन, ठीक है, अल्टरकेशन एंड ड्यूल, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हारमोनी यानी कि शांति एंड एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट होना किसी के साथ, समझौता होना, यानी कि ठीक है, एग्री हो जाना। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड हुआ, ठीक है, फिजिकल एनकाउंटर, डॉग फाइट, राइट। एंड वैसे तो आपको वर्ड को देख के ही पता चला होगा डॉग फाइट आपका नेगेटिव ही हुआ, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अल्टरकेशन, ठीक है, क्या हो जाएंगे, अल्टरकेशन एंड ड्यूअल, अल्टरकेशन एंड ड्यूअल, इसके जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएंगे, हारमोनी एंड एग्रीमेंट, ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं, हारमोनी एंड एग्रीमेंट। डॉग फाइट आपका क्या होता है, नाउन होता है, तो एज अ नाउन ही हम इसका इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, तो एज अ नाउन ही हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे दे हैड अ डॉग फाइट बिकॉज ऑफ अवर, because of a minor misunderstanding and now they are in jail. They had a dog fight, यानी उनके बीच में fight हुई, ठीक है, negative word है ना, देखिए, they had a dog fight because of, dog fight यानी physical encounter, ठीक है, because of a minor misunderstanding and now they are in jail, ठीक है, now they are in jail. So I hope this is clear to you. और as a noun हमने use किया इसका, they had a dog fight. मैंने अभी आपको बताया था कि article के बाद क्या आता है, article के बाद आपका noun आता है, तो article के बाद देखो noun आ रहा है ना, dog fight, ठीक है। So I hope this is clear to you. Dog fight का meaning ध्यान में रखना, physical encounter होता है, synonym क्या होता है, and altercation and duel, ठीक है, altercation and duel. So let's move to our next word. हमारा next word क्या है, spoil. Spoil का मतलब क्या होता है, ruin, यानी कि किसी चीज़ को ख़राब कर देना, किसी काम को ख़राब कर देना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम स्पॉइल या फिर रियोन, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, डिवेस्टेड, ठीक है, डिवेस्टेड मतलब भी वही होता है, तहस नहस करना, ठीक है, डीबेस करना, यानी कि उसको बिल्कुल बिल्कुल ख़राब कर देना, डीबेस कर देना। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रिपेयर करना, ठीक है, असिस्ट करना, तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड हो गए, रिपेयर, असिस्ट, ठीक है, दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स, एंड रियोन, स्पॉइल, डिवेस्टेड एंड डीबेस, दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, ओके फ्रेंड्स। सो स्पॉइल क्या होता है, आपका वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब होता है, और एज अ वर्ब हम इसका यूज जो है एग्जाम्पल सेंटेंस में करेंगे। सो दे आर गोइंग टू स्पॉइल योर सन बाय पैम्परिंग हिम अलॉट, दे आर गोइंग टू स्पॉइल योर सन, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू, टू के बाद क्या आता है आपका, मैंने बताया ना, टू के बाद आपका क्या आता है, वर्ब आता है, ठीक है। अब वर्ब कैसा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद, राइट।
सो दे आर गोइंग टू स्पॉइल योर सन बाय पैम्परिंग हिम अलॉट. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एज अ वर्ब हमने स्पॉइल का यूज़ किया कि दे आर गोइंग टू स्पॉइल योर सन बाय पैम्परिंग हिम अलॉट. ओके, और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और बता दूं कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, टू के बाद आईएनजी वाली भी आती है जिसे हम जीरण कहते हैं. तो उसका रूल मैं आपको एरर डिटेक्शन वाली वीडियोस में बताऊंगी, तो आप उस सीरीज़ को भी ध्यान से देखते रहिएगा. ठीक है, उसके नेक्स्ट पार्ट जो आने वाले हैं ना उसमें मैं आपको बताऊँगी, और इस पर मैं एक अलग वीडियो भी आपको बना दूँगी कि टू प्लस जीरण जो होता है. ठीक है, मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि टू प्लस जीरण पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए, तो मैं उसको बना दूँगी. ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है. राइट, सो स्पॉइल का मीनिंग आप ध्यान में रखिएगा. स्पॉइल का मीनिंग क्या होता है? ड्यून होता है. ठीक है, यानी कि नष्ट कर देना, डिवेस्टेड कर देना, डिबेस कर देना. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड दिस इज एन वर्ब. ठीक है, दिस इज अ वर्ब, एंड इसका जो ये क्या है हमारा नेगेटिव वर्ड है, स्पॉइल, ड्यून, डिवेस्टेड एंड डिबेस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड. सो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? लुकआउट. लुकआउट का मतलब होता है गार्ड. ठीक है, गार्ड यानी कि देखभाल. ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, सेंटिनल एंड सेंट्री. ठीक है, सेंटिनल एंड सेंट्री इसके क्या हो गए, हमारे सिनोनिम्स हो गए. और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? हीडलेसनेस एंड निग्लेक्ट, यानी कि निग्लेक्ट कर देना, उस पर ध्यान ना देना. ठीक है, ये हमारा हीडलेसनेस. ठीक है, हीडलेसनेस लिखा ना, लेसनेस, हीडलेसनेस यानी कि ध्यान ना देना, निग्लेक्ट कर देना. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए. और गार्ड यानी कि देखभाल करना, गार्ड करना, लुकआउट करना, तो ये हमारे पॉजिटिव वर्ड हो गए. और सिनोनिम क्या होते हैं? सेंटिनल एंड सेंट्री. ठीक है, सेंटिनल एंड सेंट्री का मीनिंग आप इसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखिएगा कि लुकआउट, गार्ड करना एंड सेंटिनल एंड सेंट्री, ये इन्हीं से रिलेटेड वर्ड्स हैं. ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड जो है वर्ड्स हैं, सेंटिनल एंड सेंट्री. सो इसका जो एग्जांपल सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे लुकआउट का, वी नीड टू प्लेस अ लुकआउट फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज फैमिली. वी नीड टू प्लेस अ लुकआउट यानी कि वी नीड टू प्लेस अ गार्ड, वी नीड टू प्लेस अ गार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज फैमिली. ठीक है, उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए हमें एक गार्ड रखना होगा. ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ हो रहा है. और लुकआउट क्या होता है? नाउन होता है. तो एज अ नाउन ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है. अगेन देखिए आपकी चीज़ें कितनी बार रिवाइज हो रही हैं. यहाँ पर आर्टिकल ए के बाद नाउन का हमने यूज़ किया है, और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है. राइट, तो देखिए आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो रही हैं, रिवीजन भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी सीखते जाएं और पीछे वाली चीज़ों को हम भूलते भी ना जाएं, रिवीजन होता चला जाए. ठीक है, क्योंकि भूलते गए तो फिर क्या फ़ायदा. राइट, इसलिए रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है. तो लुकआउट का मतलब होता है गार्ड करना, सेंटिनल एंड सेंट्री. और इसका सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे? वी नीड टू प्लेस अ लुकआउट फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज फैमिली. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? बम्पर. बम्पर का मतलब क्या होता है? सेफ गार्ड. ठीक है, बम्पर का मतलब क्या होता है? सेफ गार्ड यानी कि कुशन एंड शील्ड. ठीक है, शील्ड, कुशन एंड शील्ड यानी कि कोई सेफ गार्ड जो होता है हमारा, जैसे कि मान लो हम बॉडी पे कुछ ऐसा पहने हुए जो हमें बॉडी को सेफ कर रहा है. ठीक है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? सेफ गार्ड, शील्ड कह सकते हैं. ठीक है, एंड कुशन कह सकते हैं. जैसे कि हम बेड, कोई हमारा लाइक हमारा जो गद्दा टाइप होता है, ठीक है, उनमें हम कुशन चढ़ा देते हैं, लाइक सोफ़ा होता है उस पर कुशन लगा देते हैं. क्यों? क्योंकि उसको सेफ करने के लिए, उसे गार्ड करने के लिए, कि उसके अंदर धूल ना जाए. तो देखिए इसी तरह से हम समझेंगे कि कुशन जो है एक तरह से गार्ड करने का काम करता है, सेफ करने का काम करता है. इसलिए तो सेफ गार्ड को हम क्या कहते हैं? बम्पर कहते हैं. क्या कहते हैं? बम्पर. ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा. वर्ड जो है देखने में नहीं लग रहा कि बम्पर को सेफ गार्ड कहते हैं, लेकिन यही इसका मीनिंग होता है. ठीक है, बम्पर का मीनिंग क्या होता है? सेफ गार्ड. और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? हार्मर एंड अटैकर. ठीक है, अब सेफ गार्ड का उल्टा हार्मर एंड अटैकर ही तो होगा. ठीक है, हार्म करना, अटैक करना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? हार्मर एंड अटैकर. ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसका कैसे यूज़ करेंगे बम्पर का? द बम्पर ऑफ द कार गॉट डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट. द बम्पर ऑफ द कार यानी कि जो सेफ गार्ड था कार का, वो क्या हो गया? डैमेज हो गया एक्सीडेंट में. क्या हो गया? डैमेज हो गया एक्सीडेंट में. ठीक है, सो द बम्पर ऑफ द कार गॉट डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट. इस तरह से हमने इसका यूज़ किया है. सो बम्पर क्या है? एक नाउन है. और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल के बाद हमारा क्या आता है? नाउन आता है. तो द क्या है? हमारा आर्टिकल है. इसके बाद हमने किसका यूज़ किया? नाउन का यूज़ किया. ठीक है, सो चीज़ें रिवाइज भी हो रही हैं. ठीक है, सो द बम्पर ऑफ द कार गॉट डैमेज इन द एक्सीडेंट, एज ए नाउन हमने इसका यहाँ पर यूज़ किया. ठीक है, सो बम्पर का मीनिंग अब सेफ गार्ड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा. उसको क्वेश्चन और शील्ड भी हम कह सकते हैं. चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे. सो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? जंक. जंक का मतलब क्या होता है? गार्बेज. ठीक है, सो
गार्बेज को हम डेब्रिस भी बोलते हैं, आप जानते हैं डेब्रिस एंड रबल, ठीक है, डेब्रिस एंड रबल, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नीटनेस यानी कि सफाई, नीटनेस, और स्टरलिटी, स्टेरिलिटी, ठीक है, स्टेरिलिटी होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, स्टेरिलिटी, ठीक है, स्टेरिलिटी यानी कि क्लीनलीनेस, नीटनेस, ओके। और जंक का मतलब क्या होता है, गार्बेज, डेब्रिस एंड रबल, ठीक है, गार्बेज, डेब्रिस एंड रबल, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नीटनेस एंड स्टेरिलिटी, नीटनेस एंड स्टेरिलिटी। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ही हैज़ प्लेस्ड ऑल द जंक आउटसाइड हिज होम, ही हैज़ प्लेस्ड ऑल द जंक आउटसाइड हिज होम। जंक क्या है, नाउन है, जंक देखिए आपका आर्टिकल के बाद यूज़ हो रहा है, अगेन चीज़ रिवाइज हो गई कि जंक हमारा आर्टिकल के बाद यूज़ हो रहा है, इसलिए हमारा जंक क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ही हैज़ प्लेस्ड ऑल द जंक आउटसाइड हिज होम, ओके फ्रेंड्स। तो इसका ध्यान में रखिएगा कि जंक मीन्स गार्बेज होता है, और इसका जो एंटोनिम है मेन वर्ड, उसको आप ध्यान रखिएगा, स्टेरिलिटी भी बोलते हैं, नीटनेस भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेरिलिटी एंड नीटनेस, और सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेब्रिस एंड रबल, ओके। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ट्रायल, ट्रायल का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी एंड प्रीलिमिनरी, एक्सप्लोरेटरी एंड प्रीलिमिनरी, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेफिनेट एंड प्रूवन, डेफिनेट एंड प्रूवन। अब एक्सपेरिमेंटल तो आपका डेफिनेट नहीं होता, उसमें तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब जाके वो चीज़ डेफिनेट होगी कि हाँ ऐसा होता है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, लेकिन जब तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब तक तो वो प्रूवन नहीं है ना, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल का जो अपोजिट हो जाएगा वो प्रूवन हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमारा एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंटल का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रूवन एंड डेफिनेट, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल के सिनोनिम ध्यान में रखना, एक्सपेरिमेंटल के सिनोनिम क्या होते हैं, एक्सप्लोरेटरी एंड प्रीलिमिनरी, एक्सप्लोरेटरी एंड प्रीलिमिनरी, जैसे कि प्रीलिमिनरी से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होता है, प्री के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो डेफिनेट नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर के होते हैं, ठीक है। मेंस तो हमारा मेन होता है, राइट, मेंस तो हमारा मेन होता है, वही हमारा डेफिनेट करता है कि हमारा सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। प्रीलिमिनरी जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल है, कि प्रीलिम आपने दे दिया, आप क्लियर कर लिया, अब आप मेंस में बैठो, मेंस ही आपका डिसाइड करेगा कि क्या होना है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो ट्रायल का मीनिंग ध्यान में रखिएगा, ट्रायल का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, और इसके सिनोनिम क्या होते हैं, एक्सप्लोरेटरी एंड प्रीलिमिनरी, ठीक है, एंड एंटोनिम क्या होता है, डेफिनेट एंड प्रूवन, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में हमने यूज़ को देख लिया, और ट्रायल क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो हमने एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज़ किया है। देखिए आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका ट्रायल आ रहा है, और फिर आपका पीरियड आ रहा है, तो आप कहोगे कि ट्रायल आपका नाउन है, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए ना, मैंने आपको बताया था पहले भी कि दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखो नाउन जो है ये बाद वाला होता है, ठीक है, बाद वाला होता है, तो पीरियड क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो ट्रायल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ट्रायल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई होप दिस क्लियर टू यू, ठीक है। सो तो ये होते हैं हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट, एंड इसी तरह से हम डेली जो है 10 वर्ड्स को करेंगे, और ये हमारा पार्ट 5 था। अगर पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो इसके बाद हमारा पार्ट 6 आएगा, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर क्विजेस कर सकते हैं, और मटेरियल जो एग्ज़ाम रिलेटेड होता है वो सब देख सकते हैं। सो यदि हमारी वीडियो, एंड फ्रेंड्स अगर आपको हमारे जो ये वर्ड्स हैं वो पसंद आए हों, जो वीडियो हमारी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप कमेंट करके बताते हैं आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमें इससे हौसला बढ़ता है, ठीक है, तो आप थोड़ा बता भी दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ओके। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को क्लिक कर दोगे। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होती है ना, उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।